भारत को खुले में शौच मुक्त कराने के उद्देश्य से पूरे हिंदुस्तान सहित तो गोरखपुर जिले में भी इसके लिए कवायद चल रही है। इसी के तहत तो महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं की ओर से महानगर में ODF के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से कॉलेज की छात्राओं ने लोगों को खुले में शौच ना करें की अपील की और साथ ही उससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बैनर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। अपने इस रैली के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कुछ छात्राओं ने बताया कि यह जागरूकता रैली स्वच्छ गोरखपुर के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को, जैसे हमारे भारतवर्ष बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जा रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उसको हम लोग साफ सुथरा करें और अच्छे से रहें जिससे बीमारियों से बचे और आगे चल के हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके वजह से हमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं, मलेरिया डेंगू सब फैल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं बहुत सारी। उससे हमको अगर खुले में हम शौच नहीं जाएंगे तो प्रदूषित होने से बचेंगे, वायु प्रदूषित नहीं होगा। जो वाहन हम फालतू के चला रहे हैं कम से कम टाइम तक चलाएं, अपनी गाड़ियों को टाइम से सर्विसिंग कराएं, हर चीज़ कराएं, करते हैं हम, बोलते हैं अब जो माने ना माने हमारा काम है, हम जागरूक करते हैं, अब वो माने या ना माने ये उनका काम है।